टीचर्स ने सपोर्ट किया आपको? विनीत सर, स्मृति मैम। अच्छा, घर पे कितने घंटे पढ़ते थे? 4-5। अच्छा, और कोचिंग कहाँ करते थे? प्रगति अकेडमी। अच्छा, स्कूलिंग कहाँ से की है? मदर टेरेसा मिशन हायर सेकेंडरी स्कूल। क्या नाम है आपका? चारू विश्वकर्मा। क्या परसेंटेज आई आपकी? 97.4। किस क्लास में थे? 10। किन किन टीचर्स ने सपोर्ट किया आपको? स्मृति मैम, विनीत सर, मुकेश सर। अच्छा, और घर पे कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? 5 घंटे। और स्कूलिंग कहाँ से की है? मदर टेरेसा मिशन हायर सेकेंडरी। क्या कोचिंग भी लेते थे? Yes। कहाँ से? प्रगति अकेडमी। क्या नाम है आपका? आरती गुप्ता। कितनी परसेंटेज आई है? 93। किस क्लास में थे? 10। स्कूलिंग कहाँ से की आपने? वर्सी में। क्या कोचिंग भी करते थे? Yes। कहाँ से? गति। अच्छा, किन के टीचर से सपोर्ट किया आपको इस परसेंटेज के लिए? क्या नाम है आपका? विनीत शुक्ला। आपकी जो एकेडमी है प्रगति एकेडमी, किस प्रकार से प्रगति कर रही है? प्रगति एकेडमी स्टार्ट की मेरे को 3 इयर्स कंप्लीट हुए हैं। फर्स्ट ईयर तो हमारे पास बहुत कम स्टूडेंट्स थे, 40 स्टूडेंट्स ही थे। लास्ट ईयर भी हमारा जो टॉपर था 10th CBSE का वो 96% में था और 12th CBSE का 95% में था। ISSC का टॉपर 89 में था। इस बार हमने 10th CBSE का रिजल्ट निकल आया है, उसमें हमारा 94 हाईएस्ट था। और 10th ISSC का जो रिजल्ट है बहुत ही अच्छा है। इस बार 3 स्टूडेंट्स तो केवल 98% में हैं और 90% ऊपर हमारे 5 स्टूडेंट्स हैं। क्या टारगेट है आपका अगली बार जब रिजल्ट आएंगे तो उसमें आपका कितना योगदान रहेगा? बस मेरा एक ही टारगेट है कि हमारे यहाँ के बच्चा सीधे किसी नेशनल चैनल पे आए, मतलब इंडिया पे टॉप करे। इंडिया पे टॉप करना चाहते हैं। अच्छा, स्कूल्स के साथ साथ कोचिंग की क्या भूमिका है? नहीं, स्कूल्स तो ठीक है, जरूरी है, लेकिन कोचिंग में क्या होता है, स्कूल में स्ट्रेंथ ज्यादा होने की वजह से बच्चे के सारे डाउट्स नहीं क्लियर हो पाते और लास्ट टाइम पे जो उसको अचीव करना होता है वहाँ से उसको डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो लास्ट टाइम पे हम उसे बहुत फोकस करते हैं और उसको क्वालिटी कम टाइम पे कैसे उसको प्रिपेयर करें, कौन कौन सी चीज़ें प्रिपेयर करें, किस तरीके से करना चाहिए, वो चीज़ें सब जरूरी होती है। और क्या क्या फैसिलिटीज देती है आपकी कोचिंग? हमारे यहाँ पे डाउट क्लास है तो बच्चों को फैसिलिटी अवेलेबल कराई जाती है, किसी भी टाइम बच्चा डाउट पूछ सकता है। और ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन बिफोर 2 मंथ्स हम लोग कोई टाइमिंग ड्यूरेशन नहीं होती, 4 to 6 की क्लासेस ही चलेगी। बच्चा हमारे यहाँ मॉर्निंग में आ जाता है और हो सकता है 3 PM, 4 PM तक क्लास है। बच्चा कभी कभी क्या होता है कि बोलता है कि बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है, लेकिन जो बच्चे उस टाइम पे आते हैं और पढ़ते हैं वही लास्ट टाइम पे रिजल्ट हमको मिलता है। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं उन बच्चों से जो इस बार हाई स्कूल या इंटर में जा रहे हैं, किस प्रकार से वो स्कूल और कोचिंग का सिलेक्शन करें और कहाँ जाएं? नहीं, उनको सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि कॉन्सेप्चुअल एजुकेशन कहाँ पे मिलती है। ऐसा तो नहीं है केवल रटाया जा रहा है उनको, जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो तब तक हाईएस्ट मार्किंग नहीं आ सकती किसी भी सब्जेक्ट। रट करके नंबर 90 तक तो आप पहुंच सकते हैं, लेकिन 90 अगर आपको क्रॉस करना है तो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होना चाहिए। इस बार के जो पेपर थे कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, जो 10% मार्क्स होते हैं वो कॉन्सेप्ट बेस्ड ही होते हैं। अगर कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाई नहीं है तो 90 क्रॉस नहीं कर सकते। कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई आप लोग वही कोचिंग ज्वाइन करेंगे।